But do you feel so? आपका बच्चा बहुत खुश होकर स्कूल जा रहा है क्या? वहां से उठाया and they have coded in the mind of a child. So आपका बच्चा सिर्फ एक information seeker रह गया और information receiver रह गया. अगर हम और आप कुछ नई चीज सीखते हैं तो वी डू वी एंजॉय और नॉट. सो व्हेन वी गेट टू लर्न एनी न्यू थिंग वी एंजॉय आवरसेल्फ्स. योर स्टूडेंट्स योर वर्ड्स व्हेन दे गो टू स्कूल दे आर लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स सो दे मस्ट बी इन एंजॉयमेंट. बट डू यू फील सो? आपका बच्चा बहुत खुश होकर स्कूल जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना. सो टू कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट्स. यू सेड व्हेनेवर देयर इज अ न्यू लर्निंग द वर्ल्ड स्टार्ट्स एंजॉयिंग द इंडिविजुअल स्टार्ट्स एंजॉयिंग इवन यू पीपल आल्सो स्टार्ट्स एंजॉयिंग व्हेनेवर यू गेट अ न्यू इंफॉर्मेशन न्यू लर्निंग कम्स टू योर लाइफ यू स्टार्ट्स एंजॉयिंग. आपके बच्चे को भी न्यू चीज मिल रहा है इस उम्मीद से आप भेजते हैं बट वो एंजॉय नहीं कर रहा है. मैं एग्जांपल देके बताता हूं. छोटे बच्चे देश का राष्ट्रपति मर जाए तो दो दिन की छुट्टी होती है. बच्चे क्या डिस्कस करते हैं? अगर प्रधानमंत्री मर जाए तो am I right or wrong? Why this? सर यहां क्वेश्चन मार्क. And an educationist must believe on this particular aspect. चार वॉल ने कभी किसी को ज्ञान नहीं दे पाया. And we are deciding these days because this school, this institution, this university is having. आपने देखा होगा MIT का ऐड आता है. मुझे किसी दुश्मनी नहीं है लेकिन वो लिखता है 15 acre land. क्या करना मुझे? द्रोणाचार्य नेवर एडवर्टाइज लाइक दिस. वशिष्ठ नेवर एडवर्टाइज लाइक दिस. एम आई राइट रॉन्ग? लस ग्रीनरी. क्या करना बच्चों को? एयर कंडीशन. क्या करना? दे नेवर डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर गोइंग टू डिलीवर टू किड्स. दे डोंट. तो आपकी आंखें बंद है साहब. आप तो यही पढ़ के भेजते हैं. So lot of schools, lot of colleges, what kind of practice they are into, we need to analyze ourselves. Education का मतलब है कि आपके बच्चे का perception बढ़े, information नहीं. अगर मैं explain करूँ थोड़ा सा आपको, पहले हम लोग primitive age में थे. Primitive age means what? Stone age. कोई ज्ञान नहीं. थोड़ा सा एनहांसमेंट हुआ. देन वी केम टू एग्रीकल्चर एज में. एग्रीकल्चर एज के बाद से इंडस्ट्रियल एज में. इंडस्ट्रियल एज से मशीनरी एज. मशीन्स बना ली हमने, बड़े बड़े टूल्स बना लिए. उसके बाद इंफॉर्मेशन एज आ गया. गूगल के एक क्लिक पे 1,00,000 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपको. इंफॉर्मेशन एज है. अब जो एज है वो नॉलेज जेनिट जोन है. नॉलेज जेनिट एज मतलब क्वेश्चन अराइज. आपके स्कूल, आपका ट्यूशन सेंटर, आपका इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट होम ट्यूटर आपके बच्चे को क्या प्रोवाइड कर रहा है? यू विल बी सरप्राइज टू नो फॉर द लास्ट 12 to 13 ईयर्स ऑफ देयर एकेडमिक एप्रिहेंशन लाइफ दे आर जस्ट जनरेटिंग द इंफॉर्मेशन. And all those informations are kept in the books. वहां से उठाया and they have coded in the mind of your child. So आपका बच्चा सिर्फ एक information seeker रह गया और information receiver रह गया. Analytical aptitude enhancement हुआ ही नहीं. बौद्धिक शक्ति, धारणा शक्ति बड़ी नहीं.
वैचारिक शक्ति बढ़ी नहीं, प्रभुता बढ़ाई नहीं, विद्वता बढ़ाई नहीं, क्योंकि आपने बढ़ाया नहीं, आपने इमिटेशन करना सिखाया उसको। दिस इज इंफॉर्मेशन, लर्न इट, मग इट अप, डाइजेस्ट एंड वोमिट। दिस लेसन यू पीपल हैव पुट इन द प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 10 इयर्स। नाउ हाउ कैन यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी अब्दुल कलाम? How can you think that your child is going to deliver something new for the era of the society? Sorry. How can you think that your child is going to be Einstein? How can you think your child is going to be Amitabh Bachchan? How can you think your child is going to be Sachin Tendulkar? Bhul jaiye. Aap expectations leke baithi alag baat hai. और बच्चों को कोसते रहिए आपकी बात है। आप भी अपने अंधेरे जीवन को अंधेरे में रख रहे हैं, बच्चे भी जीवन अंधेरे। इसलिए आपको बुलाने का मकसद यही था कि खुल के आज आपकी बात, बच्चे के सामने आपकी ये बात नहीं कर सकते। आपको और हमको झांकना पड़ेगा हमने कहां गलती की, और इस गलती से आई विल स्टार्ट विथ अ शॉर्ट स्टोरी। आपने कहा बहुत टाइम, टीचर को बोलने की आदत है। सॉरी, एक टोपी बेचने वाला था, प्यार से सुनेंगे आपकी बात, कह रहा हूं अपनी शब्द, बात आपकी है शब्द मेरे। एक टोपी बेचने वाला था, टोपी बेचते बेचते जेठ की दोपहरी में थक गया, बरगद की पेड़ की छांव में बैठ गया, टोपी की गठ थोड़ी सी सुस्ती आई और नींद आ। आंखें जब खुली तो देखता है कि मेरी गठरी से टोपियां गायब, इधर देखा उधर देखा कहीं कुछ नजर नहीं आया, सिर उठा के देखा तो बरगद के पेड़ पर असंख्य बंदर थे, सारे बंदर ने उसकी टोपियों से खेल के टोपियां पहने हुए थे, इस डाली से जब उछल के उस डाली पर, उस डाली से उछल के उस डाली पर छाए। बड़ी मिन्नत देगी कि बंदर भाई मेरी रोजी रोटी का बात है, मेरी पापी पेट का सवाल है, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। बंदर ने नहीं फेंका, यू नो, तो उसने दिमाग लगाया कि मैंने सुन रखा है अपने पूर्वजों से कि बंदर जो है इमिटेटिंग एनिमल्स है। तो उसने क्या किया, अपनी सिर से जो टोपी पहन रखी थी उसे उठाया, बंदर को दिखाते हुए जमीन पर दे मारा। बंदरों ने देखा बंदर तो नकल ची है, आओ देखा ना ताश, और उन्होंने उठाई और दे मारी जमीन पे, सारी टोपियां जमीन पे वापस गठर में पाना, खुश होकर घर जाना। यहां तक की कहानी आप सबको पता है, इसके आगे की कहानी सिर्फ मुझको पता है और वो मैं आपसे शेयर करूं, और वहां आपका ध्यान चाहूंगा। आपकी आत्मा को स्पर्श कर पाया तो मन ही मन धन्यवाद जरूर देंगे। उस समय बीता, कुछ वर्ष के बाद उस टोपी वाले को बेटा हुआ, समय और बदला, युग ने करवट ली और बच्चा जवान हुआ। वो बच्चा भी अपने पिता की तरह टोपी बेचने का काम करने लगा, और टोपी बेचते बेचते वो भी एक जेठ की दोपहर में तपती गर्मी में उस पेड़ के नीचे सुस्ताने को आया, उसे भी नींद आई, आंखें खुली, देखा गायब टोपी, इधर देखा उधर देखा नहीं मिला, ऊपर देखा है सारे बंदर के पास टोपियां हैं, इसको बंदरों से मिन्नत की, बंदर ने नहीं फेंका। फिर से याद आया कि आज से 21 साल पहले मेरे पिताजी के साथ भी ऐसी घटना घटी थी, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने सिर से टोपी मारी और जमीन पे दे मारा। बोला यस, याद आ गया मुझे। उसने भी अपनी टोपी उठाई, जमीन पे दे मारा। कुछ देर की खामोशी के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, एक बूढ़ा बंदर ऊपर से नीचे उतर के आता है और कहता है, ए इंसान, तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम अपने पूर्वजों की सीख से सीख नहीं लेते, पुरानी गलतियों से सीख नहीं लेते। हम पुरानी गलतियों से सीख लेते। Those who do not learn from past
are condemned to repeat it, and repetition is not the act of intellect. आप repetition कर रहे हैं साहब, और बुरा मत माने, जितनी जिंदगी में आपकी जिंदगी में आपने अपने बच्चे के लिए पीटीएम में गए होंगे, शायद आप अपनी जिंदगी में उतनी होम ट्यूशन भी नहीं लिए होंगे, ट्यूशन भी नहीं लिए। हर मंथ, हर सैटरडे, हर मंथ के एक एंड में पीटीएम पीटीएम पीटीएम, व्हाट प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन? आपके बच्चे में ये कमी है, आपके बच्चे में ये कमी है, आपके बच्चे में ये कमी है। फिर आप गाड़ी में बैठते हैं, बच्चों पे बरस पड़ते हैं। दिस हैपेंस सो मच। पापा मम्मी पे दोष लगाते हैं, मम्मी बच्चे को दोष लगाते हैं, दोषारोपण में जिंदगी चल गई। अरे किसने कहा ये तो देखो, और जिसने कहा उसका क्या एक्सरसाइज था आपके बच्चे की एकेडमिक नरिशमेंट्स के। पीप इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स, पीप इन दैट पर्टिकुलर ट्रू।